हां जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। बच्चा जानना चाहता है कि क्लास 12वीं के बाद क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है कि हम डिफेंस फोर्सेस में डायरेक्ट ऑफिसर बन सके। लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से बहुत सारी एंट्रीज के बारे में बच्चों को पता नहीं होता। वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्लास 12th के बाद क्या ऑप्शन है। ऐसे ही ग्रेजुएशन के बाद अलग अलग ऑप्शन होते हैं, उस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। बट आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के बाद आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं। एक एक डिटेल आपको वैकेंसीज से लेके क्या एलिजिबिलिटी हो रही है सब कुछ आपको बताया जाएगा। अच्छा, कंटेंट पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली एंट्री और जो सबसे फेमस एंट्री है दैट इज एनडीए एंट्री। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये सबसे फेमस एंट्री है बिकॉज इसमें ट्राई सर्विसेज एंट्री होती है। एक साथ ट्राई सर्विसेज में बच्चों को लिया जाता है, उनको ट्रेन करा जाता है एंड वैकेंसी भी अच्छी खासी होती है। लगभग 400 के आसपास इसमें हर साल वैकेंसी होती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप क्लास 12वीं में पीसीएम के स्टूडेंट है तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में आप एलिजिबल है एनडीए के थ्रू जाने के लिए। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट नहीं है तो केवल आर्मी में आप जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें एक रिटन एग्जामिनेशन देना होता है, उसके बाद एसएसबी की आपको तैयारी करनी होती है। एसएसबी 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस है। एलडब्ल्यूएस एसएसबी इंडिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन है जिसने मैक्सिमम रिकमेंडेशन दिए हैं। तो भाई साहब, एनडीए रिटन के बाद एसएसबी की तैयारी करनी होती है, रिकमेंड हो गए मेडिकल एंड यू आर इनटू द अकेडमी। नेक्स्ट जो बहुत ही फेमस एकेडमी है, बहुत ही फेमस एंट्री है दैट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें हर बार अप्रोक्सीमेटली 90 सीट्स आती है। ये इंडियन आर्मी स्पेसिफिक वैकेंसी है। इंडियन आर्मी में अगर आपको एज इंजीनियर जाना है तो दिस इज द बेस्ट वैकेंसी। इसमें आपको आर्मी बीटेक कराएगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आपने जेई का पेपर दिया होना चाहिए, 60% मार्क्स आपके आने चाहिए कम से कम क्लास 12th में। उसके बाद अगेन आपका एसएसबी का इंटरव्यू होगा, 5 दिन का प्रोसेस होगा, रिकमेंड एंड देन इनटू द अकेडमी। नेक्स्ट आती है नेवी टेक। नेवी टेक अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 वैकेंसीज निकालता है। आप समझ में तो आ ही रहा है, इंडियन नेवी की वैकेंसी है, बीटेक है। कंडीशन इसके लिए भी वही है कि आपको जेई का पेपर देना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 70% मार्क्स आने चाहिए क्लास 12th में। और फिर आपकी एसएसबी की कॉल लेटर आएगी, 5 दिन का एसएसबी, रिकमेंडेशन मेडिकल एंड इनटू द अकेडमी। ये होगी जिसमें आप डायरेक्ट 12th के बाद ऑफिसर बन सकते हो। एक वैकेंसी जो बहुत ही पॉपुलर है दैट इज अग्निवीर। आप अग्निवीर में जाते हो, आप मतलब ऑब्वियसली हमें परमानेंट हो जाते हो, लंबा टेन्योर सर्व करते हो। 5 साल के सर्विस के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है एसीसी एंट्री का, यानी आप सिपाही के पद पर जाओगे, बाद में आपको मौका मिलेगा कि आप ऑफिसर बन सकते हो। उसमें एसीसी एंट्री नाम होती है, ये आर्मी के लिए, ऐसे नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए अलग होती है। तो ये आपकी मतलब यहां से भी आप ऑफिसर बन सकते हो, बट बेस्ट होती है अगर आप डायरेक्ट एंट्री से जाओगे तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। आप क्लास 12th के बाद सीधा अगर ऑफिसर बन रहे हो तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है ये। क्लास 12th के बाद आपका करियर सेट हो जाएगा जिंदगी में। फिर आप समझ रहे हो, आप इंडियन गवर्नमेंट के एक एसेट बन जाओगे एंड इंडियन गवर्नमेंट आपका हर तरीके से ध्यान रखेगी। तो मतलब ये नॉलेज मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होती है। आप प्लीज इसको शेयर करें। जो बच्चा एस्पायर करता है, जिसको लैक ऑफ गाइडेंस है, उस तक ये गाइडेंस पहुंचाए ताकि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके एंड देश का नाम रोशन कर सके। मिलते हैं आपसे किसी बेहतरीन और वीडियो में। कुछ और आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें आप। जय हिंद, जय भारत।